टॉपिक को लेकर आपके सामने एक नए वीडियो को, फ्रेश वीडियो को ऑब्वियसली लेकर आप सबके पास। अच्छा, सबसे पहली बात आप सबसे छोटा सा सवाल है मेरा, आप सबको हमारा ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हमारे चैनल आप सबको कैसे लग रहा है, आप लोग फीडबैक्स दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक्स हमको और एनकरेज करते हैं ताकि आपके सामने आप न्यू टॉपिक्स लेकर आपके सामने आ सके। आज हम जिस खाने की अच्छाइयों के बारे में हम कुछ वार्निंग्स भी देंगे आपसे बात करने वाले हैं, वो एक्चुअली सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर थोड़ा टेस्टी भी उसको बना के खाया जाए ना, दैट्स टू गुड। हम बात कर रहे हैं मूढ़ी की। जी हाँ, अंग्रेजी में पॉफ्ड राइस, हिंदी में मूढ़ी, बंगाली में मूढ़ी। मूढ़ी एक ऐसा खाद्य वस्तु है, ये ऐसी खाने की चीज है जो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में कभी भी आप भूख लगे तो खा लो भाई, क्योंकि मूढ़ी के ऐसे कुछ गुण हैं जो उसको राइस प्रोडक्ट्स में मिलने वाली बाकी सारे जो जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सब में से मूढ़ी को सबसे पहला पोजीशन दिया जाता है। यूं मानो तो वेस्टर्न वर्ल्ड में मूढ़ी यानी पफ्ड राइस एक बहुत ही फेवरेट ब्रेकफास्ट मील है जो वहाँ के लोग मैक्सिममली दूध के साथ लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारे देश में देखो, जब ये यहाँ का ही खाना है, यहाँ के बच्चे तो सुबह दूध, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, वैसे तो दूध पीना ही नहीं चाहते सबसे पहली बात, और अगर पी भी लिए जबरदस्ती हो तो हेल्थ ड्रिंक के अलावा उनको कुछ सोचता ही नहीं है। तो लेकिन अगर आप बच्चों को ही बोल रही हूँ, बच्चों की मम्मियाँ जो अभी हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनको बोल रही हूँ कि अगर आप दूध के साथ मूढ़ी मिला के उनको खिलाने का जो अभ्यास है वो अभी से करते हैं तो इससे आपके बच्चों को ही बहुत सारा फायदा है। फायदा नंबर वन, मूढ़ी में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और कोलेस्ट्रॉल ना होने के वजह से जिनको, जो लोग ओवरवेट हैं, जिनको बहुत हड़बड़ी है अपना ओवरवेट, अपना एक्सेस फैट लूज करने का, तो वो लोग अगर मूढ़ी को अपने डाइट में रखते हैं, चाहे वो सुबह के नाश्ते में हो या शाम के टिफिन में हो, तो उनके लिए मूढ़ी बहुत बहुत फायदेमंद होता है। सेकेंडली, मूढ़ी में विटामिन डी भर के रहता है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ये ऐसा कि जैसे हम सबको पता ही है कि अगर बोन्स में वीकनेस अगर है, स्पेशली हम औरतों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका 25 प्लस से, एक रिसेंट सर्वे में निकला है कि 25 प्लस साल की उम्र से ही औरतों में बोन्स का बर्न आउट होना, मतलब बोन जल्दी कमजोर हो जाना, ये अभी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। तो हम उन सबके लिए ही बोलेंगे कि अगर आप लोगों को मूढ़ी लेने की आदत नहीं है या कहीं कभी कभार ले लेते हो तो प्लीज़ आप अपने हेल्दी बोन्स के लिए एटलीस्ट मूढ़ी खाया करो। इसके अलावा मूढ़ी में कुछ ऐसे रेडिकल्स होते हैं जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में हमारी मदद करते हैं। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर वो लोग दिन में एक बार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पफ राइस यानी मूढ़ी को लेते हैं अपने डाइट में, तो उनका जो ये डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मूढ़ी राइस प्रोडक्ट्स में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट है, अगर उसको आप खाते हो या खाने की आदत डालते हो तो वो पचाने में ज़्यादा ईजी होता है। तीसरी बात, सिर्फ डाइजेशन में मूढ़ी मदद करता है ऐसा नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन या बवासीर की प्रॉब्लम है आप में से दिन में, अगर वो लोग मूढ़ी को अपने नाश्ते में, अपने टिफिन में या शाम के स्नैक्स में अगर मूढ़ी को लेते हो, चाहे पाओ, चाहे उसको भेलपूरी बना लो, मसाला मूढ़ी बना लो या चाट बना लो, कुछ भी बना लो भाई, तो अगर आप उसको आदत डालते हो तो आपको वो कॉन्स्टिपेशन रिमूव यानी बवासीर को क्योर करने में भी बहुत बहुत मदद करता है। सच्ची बोलो तो यूं तो अगर आप कोई भी मेडिकल जर्नल देखें या किसी डॉक्टर से पूछें या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें तो आपको वो कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, आपको अगर आप उस किसी मेडिकेशन के थ्रू भी आप जा रहे हो तो मूढ़ी लेने के बारे में अगर आप उनसे पूछते हो तो आई चैलेंज, वो लोग कभी आपको ना नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा ही खाना है, एक ऐसा ही लाइट वेट फूड है जो इजीली पचता भी है और शरीर को बहुत फायदा देता है। आज के लिए इतना तक, जाते जाते फिर से बोलना चाहूंगी कि आप लोगों में से जिन लोगों ने आज पहली बार हमारा चैनल देखा, हमारे वीडियोस को देखे, प्लीज आप लोग हमारे इस वीडियो को जो लोग पहले से शुरू तक देखे हो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिया बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
आपके बेल आइकॉन दबाने से हमारे सारे डे टू डे अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा।